सो हे हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप RS 200 ओनर हो तो आपके बाइक में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर देता हूँ जो RS 200 में हमने फेस किया और उसे सॉल्व आउट किए। तो गाइज, हमारी जो बाइक है तो उसमें ऐसी दिक्कत थी कि गाइज वो बाइक जो है, सबसे पहले उसका फ्यूल पम्प जो है ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद फ्यूल पम्प ऑन होने के बाद भी बाइक जो है हीटिंग की प्रॉब्लम जो कर रही थी। उसके बाद जो है गाइज, उसके जो सॉकेट्स थे और फ्यूज थे वो जो है शॉर्ट हो रहे थे। अगर हम बाइक रन करते थे या फिर बाइक जो है स्पीड में अगर हाई आरपीएम पे अगर भगाते थे तो गाइज उसमें जो है मिसिंग की इशू बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिससे जो है बाइक चलाने में जो हमें एक एनर्जी जो महसूस होती है बाइक के अंदर वो जो है हो रही नहीं थी। तो गाइज, इस वीडियो में अगर आपके बाइक में अगर यही दिक्कत आ रही है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि गाइज हमारे बाइक में कौन से ऐसे प्रॉब्लम जो है हमें देखने पड़े और हमने जो है कैसे उसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमारे पास पल्सर का RS 200 मॉडल है जो 2017-16 मॉडल है। तो गाइज, इसमें ऐसा दिक्कत आ रहा है कि गाइज देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो गाइज यहाँ पे इसका माल फंक्शन लाइट दिखाता है, हीटिंग लाइट भी दिखाता है और बैटरी लाइट भी दिखाता है। तो गाइज, इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम है जो मैंने सबसे पहले सॉल्व कर दिया था। तो गाइज, इसका जो है फ्यूल पम्प जो है ऑन नहीं हो रहा था। तो गाइज, इसमें कुछ ECM का प्रॉब्लम था तो मैंने इसको सॉल्व आउट कर दिया था, जिसकी वजह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। पर गाइज, इसके बाद कस्टमर ने इसे यूज़ किया, एक वीक यूज़ किया तो उसके बाद ये प्रॉब्लम वापस से नहीं क्रिएट हो गई। तो एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप माल फंक्शन लाइट देख सकते हैं। माल फंक्शन लाइट में जो है गाइस ब्लिंकिंग देखिए आप कितने बार होता है, एक बार आपको दिखा दूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल शॉट दे रहा है और डबल शॉट जो है फास्ट से दे रहा है। मतलब जो ये माल फंक्शन लाइट अपने को इंडिकेटेड कर रहा है कि गाड़ी में कुछ तो भी दिक्कत है। तो हमें इसका जो है सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ बाइक को और प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ, फिर आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसा जो है इसका जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक मेन इशू बता देता हूँ इसके, इसमें जो कौन से इशू थे। सबसे पहला इशू था जो था गाइज़, जो है इसका फ्यूल पम्प जो है काम नहीं कर रहा था और सेल्फ स्टार्ट भी नहीं ले रहा था, वो सेकेंड इशू है। थर्ड इशू जो है गाइज़, ये रेक्टिफायर हीटिंग हो रहा है। और फोर्थ इशू जो है गाइज़, ये गाड़ी जब चलता है तो ओवर हीट कर रहा है। और फिफ्थ जो इशू है गाइस वो है, जब चलता है तो पिकअप नहीं ले रहा है और जो है इसका माइलेज भी ड्रॉप हो चुका है। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो जिसके लिए आपको जो है वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और देखिए कि मैं इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूँ और वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आपको जो है प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा कि आपके RS 200 में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो गाइज़, यहाँ पे अभी जो है हमने हमारे RS 200 का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिया है। तो मैं आपको एक बार टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे माल फंक्शन लाइट आ रहा था तो अभी मैं आपको स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, मोटर भी इसकी वर्क कर रही है। अभी माल फंक्शन लाइट आपको देख सकते हैं, बैटरी लाइट देख सकते हैं, टेम्परेचर लाइट देख सकते हैं। अभी ये स्टार्ट है तो अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए गाइज़, अभी जो है मैंने इसे स्टार्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सब जो है फंक्शन ऑफ हो चुके हैं। और जो है हमारा माल फंक्शन लाइट जो वीडियो में स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि ऑन हो रहा है, तो अभी ये ऑफ हो चुका है। तो गाइज़, मोटर भी इसकी वर्क कर रही है। तो हमने इसमें ECM का जो है कोडिंग कर लिया है और जो है कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम था तो मैं आपको बताऊंगा गाइज़ कि जो इसमें जो दिक्कत था, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माल फंक्शन लाइट नहीं चल रहा है और जो है हमारा आइडलिंग भी प्रॉपर चल रहा है गाइज़। तो गाइज़, अभी मैं इसका एक टेस्ट राइड ले लेता हूँ और जो है हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। तो अभी हमें इसे टेस्ट राइड करना है और देखना है कि इसका मिसिंग प्रॉब्लम, पिकअप प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं गाइज। और हीटिंग प्रॉब्लम भी जो है हमने सॉल्व किया है। तो अभी बाइक जो है हमारी ज़्यादा हीट नहीं कर रही है, तो पहले बहुत इसका टेम्परेचर हाई हो जाता था जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी गाइज कर रही थी। तो इसका हम रेक्टिफायर जो है, इसमें जो है हमें कुछ ऐसी दिक्कत मिली है जिससे जो है बाइक जो है थोड़ा हीटिंग कर रहा था, तो हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। और जो है इसमें वायरिंग भी हमने चेक किया था, जो वायरिंग जो है इसका कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, पर इसका वायरिंग का सोल्यूशन भी हमने कर लिया है। और जो है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कि माल फंक्शन लाइट यहाँ पे ऑफ है और कोई भी इंडिकेशन नहीं कर रहा है। तो गाइज, अभी हमने जो है ये सेटअप जो हमने पूरा निकाला था वो हमने प्रॉपरली तरीके से पैक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपर पैक कर दिया है। तो अभी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे जो है हमें इसका रिजल्ट मिला है और जो है हमारा माल फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, या बाइक
टोटली अच्छी तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाइस इसका जो मैं ट्रायल ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कि कैसे जो है इसका जो है हमारा वर्क क्वालिटी निकल के आया है और हमारा रिजल्ट जो है कैसे हमें देखने मिलता है। अभी मैं गाइज आपको बता देता हूँ कि कैसे जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो गाइज क्या हुआ, कस्टमर जो है बाइक जो है स्टार्ट करके चला रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ गाइज, उनको ध्यान में नहीं आया कि अपने गाड़ी का जो है आरआर यूनिट खराब हो चुका है। तो आरआर यूनिट मीन्स रेगुलेटर रेक्टिफायर। तो गाइज ये रेगुलेटर रेक्टिफायर आपके सभी बाइक्स में आपको देखने मिलता है, जो करंट डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करता है और जो है करंट मैनेजमेंट का काम करता है। तो गाइज आरआर यूनिट जो क्या कर रहा था, तो सभी जो पार्ट्स में जो है गाइज करंट मेंटेन करता है, तो वो करंट मेंटेन करने की जगह ओवरहीट हो रहा था और जो है जो करंट मेंटेन होना चाहिए उसकी जगह वो एक्स्ट्रा करंट और एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है पार्ट्स को भेज रहा था, जिसकी वजह से सबसे पहले जो क्या हो गया गाइस कि जो हमारा ECM था, तो जब रेक्टिफायर में करंट आता है और जो ECM को भेजता है, तो ECM में गाइस शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है उसका कोडिंग जो है खराब हो गया, पर ECM खराब नहीं हुआ। तो गाइस उसके वजह से क्या हो गया कि जो है ECM ने जो है हमारे कंट्रोल सिस्टम को जो है कमांड्स देना बंद कर दिया, जिसके वजह से गाइस क्या हो गया कि जो है हमारे रिले आते हैं फ्यूज होते हैं वो जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे थे। तो गाइस जिसके वजह से क्या हो रहा था कि जो कंट्रोल सिस्टम था पूरा बाइक का वो खराब हो चुका था। तो रिले जैसे कि शॉर्ट हो चुके थे, फ्यूज जो है उड़ जाते थे, या फिर जो है बाइक के सेंसर जो है रॉन्ग जो है कमांड सेंड करते थे ECM को, जिससे जो है बाइक जो है हमारी मीटर का प्रॉब्लम दिखाती थी, या फिर जो है उसका मालफर फंक्शन में आपको कोडिंग दिखाता था कि आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, बैटरी इशू दिखा रहा था। तो गाइस ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी वो हुई थी आरआर यूनिट से, और जो है कम से कम 4 से 5 जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए थे, वो भी मेजर प्रॉब्लम जो है इस प्रॉब्लम ने क्रिएट किए थे। तो गाइस सबसे पहले हमने जो है ये जो बेसिक प्रॉब्लम थे वो तो सॉल्व कर दिए, पर बाद में हमें समझा कि गाइस आरआर यूनिट की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने जो है आरआर यूनिट उसका चेंज करवा दिया। और जो है गाइस अभी तक गाड़ी जो है कम से कम क्लियर टू क्लियर 2 वीक हो गए गाइस, तो बाइक जो है बहुत ही क्लियर चल रही है, पिकअप भी ले रही है, माइलेज भी दे रही है, हीटिंग का प्रॉब्लम जो है बाइक का चला गया है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपके बाइक के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि रेक्टिफायर हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि उस पर आपको गौर करना चाहिए। अगर आपकी बाइक जो है 4 से 5 साल पुरानी हो गई है, तो आपको आपके वायरिंग के जो पार्ट्स होते हैं उस पर एक बार टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम की वजह से अगर बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो कम से कम कस्टमर को 40 से 50 हज़ार का खर्चा आ जाता था गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके बाइक में भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका मैं आंसर दे सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वेट माय नेक्स्ट वीडियो।